आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय अवधेशानंद गिरी जी महाराज, आदरणीय गोविंद गिरी जी महाराज, आज जो उद्घाटन प्रसंग पर हमारे बीच उपस्थित परम पूजनीय मोहन जी, माननीय भैया जी, आदरणीय नितिन जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय सुभाष चंद्रा जी, मेरे साथी चंद्रशेखर बावनकुड़े जी, नंदा भाई जिस्कार, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव बहनों और भाइयों, आज मध्य भारत के लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है कि नवम वर्ष के दिवस पर एक बड़ा ही सुसज्जित ऐसा माधव नेत्रालय लोकार्पित हो रहा है और बड़े ही कम समय में और बहुत मेहनत के साथ माधव नेत्रालय की निर्मिति की गई है। मैं इसके निर्मिति में ट्रस्ट की जिस टीम ने काम किया उस टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनके समर्पण को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 20 वर्ष से माधव नेत्रालय अलग अलग स्वरूप में कार्य कर रहा है और विशेष रूप से महाराष्ट्र में और विदर्भ में नेत्रदान के संकल्प का महायज्ञ अगर किसी ने प्रज्वलित किया तो वो माधव नेत्रालय ने किया है। लोगों को प्रोत्साहित कर, लोगों में जागृति कर, बड़े पैमाने पर लोग नेत्रदान का संकल्प करें, ये कार्य पिछले 20 वर्षों में हुआ है और आज जब ये एक बड़ा ही आधुनिक और सुसज्जित इस प्रकार का नेत्रालय लोकार्पित हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में नागपुर मध्य भारत के लिए एक मेडिकल हब के रूप में विकसित हो रहा है और उसमें एक बड़े अच्छे नेत्रालय की कमी थी जो आज पूरी हो गई और इसलिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। ये नेत्रालय जिस समर्पण की भावना से तैयार हुआ है, परम पूजनीय गोवलकर गुरु जी, उनका नाम इस नेत्रालय को दिया गया है और जैसा सभी ने अपेक्षा व्यक्त की कि केवल शारीरिक दृष्टि नहीं तो समाज को देखने की सम्यक दृष्टि ये समाज में परिवर्तन ला सकती है और विशेष रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में जब बड़े पैमाने पर कीमतें बढ़ रही है, आम आदमी गरीब आदमी अच्छी चिकित्सा पाएगा कि नहीं, ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं। ऐसे समय एक और केंद्र की सरकार ने आयुष्मान भव जैसी एक बड़ी अच्छी योजना तैयार की और वहीं एक बड़े समर्पण की भावना से माधव नेत्रालय जैसा एक नेत्रालय ये तय करके कि गरीब हो तब भी उसको चिकित्सा मिलेगी, पैसा हो चाहे ना हो, जिसको चिकित्सा की आवश्यकता है उसके लिए हम खड़े हैं, उसके लिए हम तैयार हैं, इस समर्पण की भावना से यहां पर काम किया जा रहा है। मैं पर डॉक्टर लाहने जी से चर्चा कर रहा था तो उन्होंने चर्चा में कहा कि अलग अलग प्रकार के नेत्र से संबंधित जो विकार है इन पर अगर हम अच्छे तरीके से उपाय नहीं करेंगे और बड़े तेजी से उपाय नहीं करेंगे तो 2050 के करीब भारत में 11 करोड़ लोग
ये अलग अलग प्रकार के नेत्र के रोगों से ग्रसित होंगे। और महाराष्ट्र में हमने इस दिसंबर में, पिछले वर्ष के दिसंबर में, महाराष्ट्र को मोतीबिंद मुक्त करने का एक संकल्प रखा और यह तय किया कि दिसंबर 17 से जुलाई 19 तक हम लोग महाराष्ट्र में जो 17 लाख लोग हैं मोतियाबिंद से ग्रसित, ऐसे सारे 17 लाख लोगों का ऑपरेशन करेंगे और जुलाई 2019 में महाराष्ट्र को हम मोतियाबिंद से मुक्त करेंगे। इस प्रकार का संकल्प हमने किया और सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र में चिकित्सकों को एकत्रित कर आज करीब 50,000 ऑपरेशन हम कर चुके हैं और 175 ऑपरेशन थिएटर्स करीब 10 घंटे रोज ऑपरेशंस आज कर रहे हैं। और माधव नेत्रालय जैसी एक व्यवस्था अगर खड़ी हो जाए, और आज जो खड़ी हो गई है, तो मेरा विश्वास है कि मोतियाबिंद मुक्त महाराष्ट्र में एक बड़ा योगदान माधव नेत्रालय देगा और उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बड़ा ही अच्छा कार्य यहां पर संपन्न हुआ और इस संपन्न करने वाली टीम ने जिस प्रकार के श्रम लिए उसको हमने करीब से देखा है और इसीलिए आज उनको मैं मन से, दिल से बधाई देता हूं और इस अच्छे कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित किया, इसके आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।